रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में चाइनीज गवर्नमेंट को ईगर्स के जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। ईगर्स जो मोस्टली इस्लाम फॉलो करते हैं चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली ये सेंट्रल एशियन से ज्यादा क्लोज हैं इंस्टेड ऑफ हैन चाइनीज। साथ ही ईगर्स की रिलीजियस क्लेंजिंग के लिए चाइना ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए हैं जहाँ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं जैसे कि टॉर्चर, सेक्सुअल अब्यूज, मास स्टरलाइजेशन एक्सेट्रा। साथ ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैं चाइनीजों को यहां सेटल करवाकर इस रीजन की डेमोग्राफी चेंज करने में लगी है। 1953 से अभी तक ईगर पॉपुलेशन 75% से डिक्लाइन होकर 42% रह गई है। हमेशा की तरह चाइना ने इस रिपोर्ट को वेस्ट का प्रोपेगेंडा बताया है और साथ ही इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स भी जेनोसाइड पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस इशू पर क्या मानना है।